हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो यह मेरी अनदर हॉल वीडियो, मेरी हॉल कैसी लगती है बिलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो आज मैं लेके आई हूँ मीशो हॉल, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने मीशो से परचेज की है, और आई होप कि आप भी वो चीज़ें, मतलब मेरा हॉल देखो, अगर आपको वो लगे हेल्पफुल है या फिर यूजफुल है, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगे और चीज़ें यूजफुल लगे तो परचेज ज़रूर करिएगा। और सारे प्रोडक्ट के कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कभी कभी कोड से डिसमैच हो जाता है, तो वो चीज़ें आप मेरे पे ब्लेम मत डाला करिए प्लीज़, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही अपना पैसा लगा के ख़रीदती हूँ। मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, मैं खुद का पैसा, मतलब अपने पति का पैसा उड़ाती हूँ। तो बस यही बताना था। तो चलिए वन बाय वन करके आपको दिखाते हैं जो चीज़ें मैंने परचेज की है मीशो से। मीशो वाले तो बहुत ही, सबसे पहले मैं कुछ हेयर एक्सेसरीज दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने मीशो से लिया है। उसमें सबसे पहले ये पर्ल वाले हैं जो कि, और मीशो की पैकेजिंग आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा, मतलब अच्छी होती है कि आप आँख मूंद के ज्वेलरी पे, तो ज्वेलरी के पैकेजिंग पे भरोसा कर सकते हो मीशो पे। तो इस तरह का पैकेजिंग में ये वाली ज्वेलरी मुझे, मतलब ओह माय गॉड, गिर गया, हेयर एक्सेसरीज रिसीव हुई थी। ये हैं पर्ल के, जो कि आप ऐसे, मैं अभी इसमें लगा रही हूँ, इस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो चोटी में, जूड़े में, और ये देखो काफ़ी सुंदर है। और 9 का सेट मिला है, मतलब कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो और ये मेरे को 180 में पड़ा है। अभी मैं इसका इमेज स्क्रीनशॉट करके लगा दूंगी, तो आप देख लेंगे। सारे प्रोडक्ट के इमेज लगाऊंगी ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि मैंने चीज़ें किस तरह की ली हैं। इसके बाद हेयर एक्सेसरीज में ही मैंने 2 कोरियन हेयर क्लिप मंगाया, जो कि काफ़ी इंट्रेंड है, मतलब हर कोई, आप इंस्टाग्राम पे देखो, पिंटरेस्ट में जाके देखो, हर कोई अपनी ड्रेसेस के साथ, कुर्ते के साथ इसको स्टाइल करना पसंद कर रहा है, जो कि मुझे भी काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं हेयर एक्सेसरीज की बहुत ही ज़्यादा वाली फ़ैन हूँ, मतलब लवर हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशली जो मुझे अच्छा लगा वो ये है, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने इसका डाला हुआ है, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो ये वाली लेस पे है पूरी, एंड सबसे ज़्यादा सुंदर वाला पार्ट जो है इसका, ये जो उन्होंने उस पर, मतलब छोटा छोटा ऐसे फूल के डिज़ाइन बनाई हुई है। और MRP बता दूँ, ये मेरे को 127 रुपये में पड़ा, 127 रुपये में ये वाला पड़ा मेरे को। काफ़ी सुंदर है ना, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरा मैंने साटिन पे लिया हुआ है, जो कि मुझे 97 रुपी का, ओनली 97, मतलब 100 रुपी का पड़ा है। आई थिंक कभी कभी मुझे ये लगता है कि मीशो वाले भी लूटते हैं। आप आज अगर लोकल मार्केट से ये सब चीज़ें लेते हो तो आपको बहुत ईजली कम प्राइस पे ये सब मिल जाएगा। फिर एक हेयर एक्सेसरीज मैंने बहुत पहले मंगाई हुई थी अपने देवर की शादी में, जो कि मैंने यूज भी किया था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, लाइट पिंक है और उसमें पर्ल का काम है। इसका मैं MRP भूल गई हूँ, बट मैं ये इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप देख लेना, बहुत ही ज़्यादा वाला सुंदर है ना। तो देखती हूँ इसको, मैं अलग से निकाल के इसका यूज करूँगी, अभी मेरे को शादी में जाना है तो देखूंगी यही वाला यूज करूंगी। है वैसे ये बहुत ही ज़्यादा वाला सुंदर, एक मिनट, हाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मत ये वाले से मैच हो रहा है ना। चलो तो अब इयर रिंग दिखाते हैं। तो मैंने बताया ना मीशो वालों की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। ये वाली इयर रिंग मैंने परचेज करी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाला सुंदर है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बहुत जल जाएगा। ये कुछ इस तरह की ब्लैक कलर का है, इसमें येलो, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, तो आप जाके ले लीजिएगा। ये मेरे को 178 या समथिंग का ऐसे, मैं प्राइस भूल जाती हूँ, तो उसको मैं लगा दूंगी स्क्रीनशॉट करके, तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा वाला प्रिटी है। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग।
इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक पर्ल वाली हूप्स जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर्ल की जो भी चीज़ें होती हैं मुझे इसलिए बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, और ये इतनी ज़्यादा मतलब थोड़ी बड़ी वाली है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो थोड़ा मतलब इसका साइज बड़ा है, अगर आप मतलब इतना बड़ा नहीं पहनना पसंद करते हो तो इसमें मोती के और भी मतलब छोटे छोटे से हुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे मीशो पे, तो आप जाके परचेज कर लेना। ये 178 रुपी का है। और इसके बाद मैंने लिया हुआ है एक माला, तो पर्ल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने एक पर्ल की माला मंगवाई हुई थी ओनली 100 की, जो कि अभी मुझे काम आने वाली है। वेस्टर्न के साथ आप पहन सकते हो, कोई भी ब्लैक ड्रेस पहनो तो डाल लो, रेड पहनो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगी। खाली आप सिर्फ माला आप ऐड कर लो, इयर रिंग्स पर्ल के छोटे छोटे बूंदे आप डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। तो इसकी MRP भी अच्छी खासी थी, 100 में एक दो बार तो पहन ही सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया हुआ था। इसका भी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट जो ज्वेलरी की पीस है मेरे पास, मतलब मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकती, और ये फर्स्ट पार्ट है। मैंने सोचा ना इसकी मैं सीरीज बनाऊँ, मतलब कपड़े की अलग, मीशो का एक पूरा सीरीज बनाऊँ, मीशो का, मिंत्रा का, मतलब हर शॉपिंग हॉल का एक एक सीरीज बनाऊँ। इसके बाद जो लास्ट पीस है वो बहुत ही ज़्यादा वाला सुंदर है, और इसकी MRP है 280 रुपी। और आप मेरी मतलब हंसी देख के समझ सकते हैं कि मेरे को ये कैसा लगा, बहुत ही ज़्यादा वाला प्रिटी। ये देखो मतलब ऑक्सीडाइज है, और इसमें येलो की हल्की सी मोती लगी हुई है, ब्लैक कॉम्बिनेशन है येलो ब्लैक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पता नहीं पहनने के बाद कैसा लगेगा, वाह। कोई मेकअप लुक करूँगी तब पहनूँगी, या फिर किसी कुर्ते उर्ते के साथ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बस यही था मेरा छोटा सा हॉल वीडियो, ये है पार्ट 1। ऐसे बहुत सारे पार्ट मेरे चैनल पे आने वाले हैं, माइंड मत करिएगा। बाबू मेरा अभी जग रहा है, मैं किस तरह से सूट कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तो यही था छोटा सा हॉल वीडियो, आई होप कि आपको मेरी हॉल अच्छी लगती हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।